भैया माला रुक जा अभी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर जाकर के इसको लाइव सुना जा सकता है। ये एक प्रकार से वर्चुअल रैली है। कोरोना की वजह से जो चुनौती हमें मिली है कि सब लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, इकट्ठा होने से संक्रमण फैलने की गुंजाइश अधिक होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को अवसर में बदला है और अवसर में बदलते हुए अब आम सभाओं का स्वरूप वर्चुअल रैलीज ने ले लिया है। और इसी क्रम में आज नितिन गडकरी जी की शाम को 4 बजे वर्चुअल रैली आयोजित होने वाली है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह आग्रह है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर जाकर के इसके लिंक के साथ जुड़े। और जो नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना की वजह से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उस पैकेज को फलीभूत बनाएं, क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी इस रैली के माध्यम से मिलने वाली है। यदि हम जानेंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये आग्रह है कि उसको ठीक प्रकार से समझें और समझ करके जो पात्र लोग हैं उन पात्र लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाने का काम करें। निश्चित रूप से ये 20 लाख रुपए करोड़ का जो पैकेज है वो तभी फलीभूत होगा जब भाजपा के कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे और उस आम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस पैकेज का लाभ उन तक पहुँचाएँगे, उनको दिलवाएंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। एक बार क्षेत्र के लोगों को बधाई देती हूँ कि उनके यहाँ सड़क का निर्माण कार्य, मुद्दे 70 साल से मुद्दे ही बने हुए थे, लेकिन अब उनको निर्णायक स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहुँचाया है। और हम ये कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो सिर्फ कहते थे, अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन भी गया है। तो इस उपलक्ष्य में इन वर्चुअल रैलियों का आयोजन हुआ है, जिसमें आज अजमेर और कोटा संभाग की वर्चुअल रैली होगी।